एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल रिएक्शंस हर्ट। मैं आशु। मैं मीनाक्षी। सो हियर वी बोथ आर बैक अगेन विद अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन लड़का मैं सिद्धि का बाय एमसी विस्ता सर। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, टू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और ओजी वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके जरूर चेक कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो सॉन्ग। आई मीन सारा दिन गाना बनाते हो, पढ़ भी लिया करो कभी? सारा दिन खाना गाना बनाते हो, पढ़ भी लिया करो कभी? ओके। लड़का मैं सीधी का सीधी का सीधी का सीधी का सीधी का सीधी का रिप्रेजेंट करना चाहता मैं इंडिया को, इंडिया को, इंडिया को। क्यों करे ब्रोक मेरा हार्ट से भी है, मेरे को नहीं समझते मिस करते हैं हार्ट। मैं तो मंबल लाना चाहता हूँ बस इंडिया में, लोग मुझको नहीं समझ रहे, प्लीज मत करो हार्ट। कानों पे कितनी बार सॉस देना चाहता पर ये लोग बिलीव करें, आ बोले मुझे स्लट। मत करो तुम ट्रस्ट, मत करो भरोसा इंडिया के रैपर्स। बगानों में मुंबल मिला रहा है, इंडिया को कैसे मैं करूँ चेस, इंडिया को रैपर हो नहीं सकते कैसे फेस। हाँ मुझको करते क्यों हो लेकिन ये मैं इंडिया के रैपर को कहूँ, इंडिया के रैपर को, मैं इंडिया के रैपर को क्या बोलूँ अभी, मैं इंडिया के रैपर को, रैपर को क्या बोलूँ मैं, खाने को नहीं है ब्रो। जब मैं सुना MC Stan को फर्स्ट टाइम मेरे आंखों में आ गए थे रोना ब्रो। मैंने जब सुना फर्स्ट टाइम Stan को आंखों में रोना था, मैंने तुमको ये बात बोला था, बोला था, बोला था, बोला था, मैंने मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम को मेरे आंखों में रोना था। जो पीछे पियानो बज रहा है ना वो अच्छा लग रहा है ना। कंप्लीट हो गया। रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं इंडिया को, इंडिया को, इंडिया इंडिया के टूवर्ड्स अपनी रिस्पेक्ट दिखाई है ना। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे कि आपने अपने रिस्पेक्ट शो करी है ना अपने देश के लिए। इंडिया में मैं लाना चाहता हूँ मंबल को। मंबल रैपिंग जो है वो एमसीसन सर की उससे ही देखी है मैंने मंबल रैप है ना। हाँ, और एक बार रफ्तार सर के रफ्तार सर भी कर रहे थे मंबल रैप, मैंने उनका एक सुना था, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, मैंने सुना था, पता नहीं उन्होंने किया होगा बट मैंने नहीं सुना, मैंने एमसीसन सर को ही सुना है पहली बार इनके। एमसीसन सर के तो मंबल रैप एक नंबर होते हैं, इनका भी अच्छा था, इन्होंने जैसे ट्राई करा ना है ना फर्स्ट टाइम या जब भी इन्होंने ट्राई करा होगा, बट अभी जब इनकी स्टार्टिंग है तो अच्छा लगा इन्होंने मंबल रैप स्टार्ट करा। अगर स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छा है इन्होंने, काफी अच्छा ट्राई किया, 100% दिया इन्होंने। और काफी पेन था लिरिक्स में, जैसे ये मेरे को करते हैं हट, ये समझते नहीं है, मत करो तुम बिलीव, मत करो तुम भरोसा है ना। इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे खाने को नहीं है ब्रो, जब इनका इन्होंने मंबल स्टार्ट किया ना सेकेंड वर्स जब उनका स्टार्ट हुआ बेसिकली, तो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी चेंज हो गया था, जो कि एक सरप्राइजिंग थिंग थी है ना। हाँ, मुझे लगा कि खत्म हो गया होगा, छोटा सा होगा, बट नहीं आगे था। हम सरप्राइज हो गए कि हाँ अभी भी आगे है। जैसे वर्स चेंज हुआ ना वैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हुआ, ये मुझे ये भी मुझे अच्छी बात लगी। एक तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ है ना, दूसरी बात इनकी जो मंबल रैप इन्होंने स्टार्ट करा है वो भी अच्छा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा। और जो थर्ड चीज है वो कि जैसे वर्स चेंज हुआ तो वैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज हुआ, ये नहीं कि वर्स चेंज हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक वही चल रहा है, नहीं, जैसे वर्स चेंज हुआ एज वेल एज बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज हुआ, जो कि एक अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट भी है काफी।
कि एक तरफ चलता रहेगा बंदा बोर हो जाएगा। और एक लाइन इसमें ये भी आई थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना स्टैन को तो आंखों में रोना था, क्योंकि एमसन सर के जो रैप होते हैं वो रियलिटी पर ही बेस्ड होते हैं, है ना। वो अपने उनके अंदर टैलेंट है कि वो अपने जो लाइफ उनके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं वो अपने रैप के थ्रू हम सबको बताते हैं जो उनके ऊपर बीती, तो कभी 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 हम भी इमोशनल हो जाते हैं। तो इनका ना भी गाना आया, और जब ये लाइन आई थी ना कि मैंने जब सुना था फर्स्ट टाइम स्टैन को मेरी आंखों में स्टैन को, उसके बाद नैनो सेकंड का गैप लिया उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने जब ऐसे जैसे हम रोते 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 बोलते हैं ना वर्ड्स को रिपीट करते हैं, हमसे बोला नहीं जाता तो वैसे ही सेम इन्होंने करा था। ये चीज भी मुझे अच्छी लगी, वो लाइन। हाँ सही बोल रहे हो, वो वाला लाइन जो थी सच में अच्छी थी। मैंने जब सुना फर्स्ट टाइम स्टैन को मेरी आंखों में रोना था, सच में इनकी स्टार्टिंग है। आपको कैसा लगा लड़का मैं सिद्धि का कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ओजी लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जाके जरूर चेक कर लेना। इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में कितना अच्छा, सो प्लीज सपोर्ट हिम, ठीक है। तो इनके इंस्टाग्राम लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जाके फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, टू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।